यहाँ पर हम जो है वो कुछ नंबर्स को ले लेते हैं और हम उन पर रूल्स अप्लाई करते हुए उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लिखूँ लाइक 0.20300, ठीक है, ये एक वैल्यू है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ लाइक 0.001 और इसके साथ में चले ज़ीरो भी लगा देता हूँ आगे, और एक वैल्यू मैं और ले लेता हूँ, 1 से ग्रेटर ले लेता हूँ आसान सी कोई, 1.003 exponent 10^2। तो ये तीन वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इन तीन वैल्यूज़ में हम ये फाइंड करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 0 पॉइंट है तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जो आखिर में जीरोज़ आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। 2 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, 3 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, और 0 जो है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, लिहाजा ये 0 भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इस वैल्यू के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5। इसके नीचे वाली वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि 0 है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद जो जीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, हमने ये रूल में पढ़ा था। उसके बाद 1 है, 1 तो सिग्निफिकेंट होगा, और आखिर में एक 0 लगा हुआ है, तो ये वाला 0 क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये राइट साइड में मौजूद है, डेसिमल नॉन ज़ीरो के बाद आ रहा है। तो इस वैल्यू के अंदर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर हम तीसरी वाली वैल्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बहुत आसान सी है कि इसके अंदर जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर हम इस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 तो ऑलरेडी है, 3 तो ऑलरेडी है, और इन दोनों के दरमियान में 2 जीरोज़ मौजूद हैं, लिहाजा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, एक्सपोनेंट को हम काउंट नहीं कर रहे होते। इसी के साथ अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को मज़ीद आगे देखा जाए तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर के अंदर पूछी जाती है, और वो ये आती है कि अगर आप 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें, ठीक है, या तो आप मल्टीप्लाई करें या फिर आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो फाइनल वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, फाइनल वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। एक रूल याद रखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कि जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, हम किसी भी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 1.31 मल्टीप्लाई बाय 2.021, ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो रूल ये है कि जो छोटी वैल्यू है यानी जिसके पास जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओवरऑल देखा जाएगा जिसके पास जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो फाइनल वैल्यू के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होने चाहिए, यानी जो भी आंसर आएगा तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल है कि द रिज़ल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू कंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज कंटेन इन द फैक्टर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब वैल्यूज़ 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हों, जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हों और आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो आसान सी चीज़ यही है कि आप उस नंबर को देखें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो फाइनल वैल्यू के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अब MCQs में थोड़ा करते क्या है कि आपको 4-5 वैल्यूज़ दे देंगे और 4-5 वैल्यूज़ देकर जो है वो आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उसको राउंड ऑफ करें। तो याद रखें कि अक्सर क्या होता है पेपर के अंदर, फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू है लाइक इसमें मैं एक मल्टीप्लिकेशन और ऐड कर देता हूँ कि 2.1। अब जो है अगर हम इस वैल्यू को फाइंड करें कि 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.31 मल्टीप्लाई बाय 2.021, तो फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू दिस लीस्ट फैक्टर, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्या होगा कि उन्होंने आंसर्स ए ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बी ऑप्शन में होगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सी ऑप्शन में होगा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने बैठ जाएँ, सबसे पहले आप यही देखें कि ऑप्शन के अंदर क्या आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू रूल्स। और अक्सर ऐसा ही होता है कि वो आपका कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं देख रहे होते, आपकी कैलकुलेशन नहीं देख रहे होते, वो आपका कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। तो जो लीस्ट वैल्यू होगी उसके उसको देखते हुए आप क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने में। इसी तरह अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की जाएगी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात की जाएगी, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमने पीछे एग्जांपल देखी उसी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक वैल्यू है 1.31, उसको हम प्लस करते हैं 2.2 से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट रूल होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर। इसमें होता क्या है कि जो आपके पास आंसर आएगा, जो भी आपके पास आंसर आता है, फॉर एग्जांपल 1.31 को मैं प्लस 2.2 कर रहा हूँ तो 3 point something आंसर आएगा मेरे पास। तो 3 point के बाद कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए वो मैं देखता हूँ इन वैल्यूज़ को देखते हुए। कैसे कि इन वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो अगर इस वाली वैल्यू को देखूं तो इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है, ठीक है। और अगर इस वाली वैल्यू को देखूं तो उसके बाद इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। लिहाजा मेरे फाइनल आंसर के अंदर भी क्या होगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है। यानी कि अगर मैं इसको एक एक जुमले में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द रिज़ल्ट शुड बी राउंड ऑफ टू कंटेन एज मैनी डेसीमल प्लेसेज एज कंटेन इन द फैक्टर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसेज तो इसके अंदर क्या है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसेज यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा फाइनल आंसर के अंदर जो है वो हम डेसीमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाएंगे जितने लीस्ट यहाँ मौजूद हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम ओवरऑल वैल्यू को देख रहे थे। हम किसको देख रहे थे, ओवरऑल वैल्यू को, कि ओवरऑल वैल्यू में जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही फाइनल आंसर के अंदर क्या होगा, कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या है कि पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि कितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो ये चीज़ भी वेब पेपर के अंदर आती है, इम्पॉर्टेंट है।